रूही के पिता विवेक की होली की छुट्टी समाप्त हो गई थी। विवेक की ड्यूटी पर लौटते समय, पिताजी कुछ दिन और रुक जाइए ना, अभी तो मैं ठीक से खेली भी नहीं आपके साथ। बेटा रुकने का मन तो मेरा भी है, लेकिन हम फौजी की जिंदगी घर के लिए कम देश के लिए ज्यादा होती है। रूही ठीक ही तो कह रही है, अगर कुछ दिन और रह जाते तो अच्छा होता। मैं भी रुकना चाहता था, मैंने इसके लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात भी की थी, लेकिन पता चला कि सीमा पर दुश्मन देश के सैनिकों की गतिविधियां कुछ ठीक नहीं, इसलिए सभी की छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ठीक है जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लक्ष्मी तुम तो समझदार हो, तुम तो जानती हो कि भारत माता को हम जैसे सपूतों की कितनी जरूरत है। क्या तुम चाहोगी कि माँ को जब बेटों की जरूरत हो तो वह नहीं जा सके? जानती हूँ, लेकिन जब रूही और मैं तुम्हारे बिन अकेलापन महसूस करते हैं तो जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। चलो अब मुझे जाना होगा। ठीक है पिताजी, लेकिन 3 महीने बाद मेरा जन्मदिन है, याद है ना, भूलिएगा नहीं। मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ, मैं जाते ही छुट्टी के लिए आवेदन लगा दूंगा। मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा। ओके मेरी प्यारी बच्ची, बाय। लक्ष्मी अपना और रूही का ख्याल रखना। जी अच्छी तरह रखूंगी। बाय बाय पिताजी, जल्दी आइएगा, मेरा जन्मदिन भूल नहीं जाइएगा। इस तरह भारी मन से विवेक अपने जज्बातों को समेटे हुए ड्यूटी पर चला जाता है। इधर रूही और उसकी माँ दोनों आंखों में आंसू लिए वापस घर के अंदर चली जाती हैं। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करती, घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। उधर बॉर्डर पर विवेक के पहुंचने पर, जय हिंद सर, लांस नायक विवेक सिंह रिपोर्टिंग सर। वेरी गुड विवेक, मुझे मालूम है कि छुट्टियों के बाद घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर आना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हम फौजी को अपने देश की रक्षा के लिए कलेजे पर पत्थर बांधकर काम करना होता है। हौसला देने के लिए धन्यवाद सर, अपने शिविर में जाने की अनुमति चाहिए श्रीमान। ओके तुम जा सकते हो, जय हिंद सर। विवेक अपने शिविर में पहुंचता है जहां उसके दोस्त अनुज से उसकी मुलाकात होती है। अरे आओ विवेक, कैसी रही होली की छुट्टी? दोस्त तुम तो जानते ही हो कि हम फौजी की छुट्टियां कब शुरू होती हैं और कब समाप्त पता ही नहीं चलता। इधर रूही की दोस्त बबली का जन्मदिन रहता है। बबली के पिताजी ने त्रिपुरा के एक बड़े होटल में भव्य आयोजन किया था। रूही के घर पर, लक्ष्मी बहन बबली के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन इसके पापा ने ग्रैंड होटल में किया है, आज शाम रूही को साथ लेकर आना है, भूलिएगा नहीं। जरूर आऊंगी बहन, आखिर बबली हमारी भी बेटी है। अगले महीने रूही का भी जन्मदिन है, रूही के पिताजी भी आ रहे हैं। रूही की भी इच्छा है कि इस बार उसके जन्मदिन पर पिताजी साथ रहें। रूही शाम को जरूर आना, पापा ने मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए बहुत बढ़िया केक मंगवाया है। ठीक है बबली, हम जरूर आएंगे। शाम को रूही अपनी माँ के साथ ग्रैंड होटल पहुँचती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। बबली एक सुंदर सी परी जैसी फ्रॉक पहन एक बड़ा सा केक काटती है। हे रूही, लो केक खाओ, तुम्हारे पापा नहीं आए? मेरे पापा देश की रक्षा के लिए गए हैं, वो अगले महीने मेरे बर्थडे पर आएंगे। मेरे पापा तो हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग खूब मस्ती करते हैं। देखो मेरे पापा ने मेरे लिए कितना सुंदर फ्रॉक लाया है। सच में तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है, मैं भी पिताजी से ऐसी ही फ्रॉक मंगवाऊंगी। बेटा बबली चलो अब तुम सब मिलकर डांस करो, जो भी बच्चा सबसे अच्छा डांस करेगा उसे मैं ये गिफ्ट का पैकेट दूंगा, और हाँ जो सबसे अच्छा गाना गाएगा वह भी एक गिफ्ट का पैकेट मेरी तरफ से इनाम में पाएगा। इस तरह बबली के जन्मदिन की पार्टी में बच्चे लोग खूब मजा मस्ती करते हैं। पार्टी में सबसे अच्छा डांस करने वाला बच्चा और सबसे सुंदर गाने गाने वाले बच्चे को बबली के पिताजी एक सुंदर सा गिफ्ट देते हैं। सभी बच्चे खूब खुश होते हैं। रूही घर लौटकर, माँ कितनी सुंदर बर्थडे पार्टी थी बबली की, मुझे भी ऐसी ही बर्थडे पार्टी मनानी है। ठीक है बेटी, वैसी ही पार्टी तेरे पापा से कहकर मनवा देंगे। माँ पिताजी को फोन लगाकर बताओ ना अभी।
बेटा अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह बात कर लेना। बबली कितनी खुश नसीब है, उसके पिताजी हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसे कितना मानते हैं। ऐसा नहीं सोचते बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें बहुत मानते हैं। हाँ, तेरे पिताजी की नौकरी ऐसी है कि वो हम लोगों के साथ नहीं रह सकते। काश पिताजी भी बबली के पिताजी की तरह बिजनेसमैन होते और हम सब साथ रहते तो कितना अच्छा रहता। बेटा अगर तेरे पिताजी फौजी नहीं होते तो इन बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, मंत्री और सारी जनता की रक्षा कौन करता। हमें गर्व है कि तुम्हारे पिताजी देश का सबसे अच्छा सर्विस करते हैं। हाँ माँ, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। दूसरे दिन रूही अपने पापा को फोन करके पार्टी की सारी बातें बताती है और पापा से वैसी ही बर्थडे पार्टी मनाने को कहती है। पापा आप एक सप्ताह पहले ही आ जाइएगा, हम खूब मस्ती करेंगे बर्थडे पार्टी में। ओके बेटा, मैंने छुट्टी का आवेदन लगा दिया है और छुट्टी मिल भी गई है। मैं तुम्हारे जन्मदिन के एक हफ्ते पहले ही आ रहा हूँ। वाओ, माय पापा इज द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, अब फोन रखो, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी, बाय। छुट्टी पर आने के दिन। जाओ भाई, रूही बिटिया को जन्मदिन पर मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई देना और ये परी वाली फ्रॉक जन्मदिन पर उसे जरूर पहनाना। अरे ये कब खरीदी तूने और इसकी क्या जरूरत थी? अब तू रूही से फोन पर बात कर रहा था तो मैंने परी वाली ड्रेस की बात सुन ली थी। भगवान ने मेरी कोई संतान नहीं दी तो क्या हुआ? रूही बिटिया को देकर अपना अरमान पूरा नहीं कर सकता क्या? बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? वैसे तू भी तो परसों घर जा रहा है, भगवान ने चाहा तो तेरे आंगन में भी जल्द ही एक परी सी बच्ची खेलेगी। हाँ भाई, पूरे एक वर्ष बाद जा रहा हूँ घर। तभी कमांडिंग ऑफिसर आकर, विवेक अभी अभी वायरलेस संदेश आया है कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी हमारे एरिया में घुस आए हैं, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। जय हिंद सर, विवेक की बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, मैं बाद में चला जाऊंगा। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब से अभी बात करके देखता हूँ, लेकिन तब तक विवेक तुम घर नहीं जा सकते। लेकिन अनुज तू पिछले एक साल से घर नहीं गया है। अरे दोस्त तुम्हें जाना जरूरी है, बिटिया इंतजार कर रही है, वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, बाद में भी चला जाऊंगा। देख तेरी मोबाइल की घंटी बज रही है, लगता है रूही का ही फोन है। अरे हाँ उसी का फोन है। हेलो बेटी कैसी हो? ठीक हूँ पिताजी, आप चले भी या नहीं अभी तक? बेटा कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा कर एक दो दिनों में आ जाऊंगा। हेलो क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परसों यहाँ से निकलूंगा, अभी कुछ काम है यहाँ। पिताजी के घर पर नहीं पहुंच पाने से माँ बेटी दोनों उदास हो जाती हैं। टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। लक्ष्मी का दिल बैठ जाता है, वह बदहवास हो जाती है। माँ क्या हम इस बार भी बिना पिताजी के केक काटेंगे? नहीं मेरी बच्ची, पिताजी जरूर आएंगे। अनुज की छुट्टी रद्द कर विवेक को छुट्टी मिल जाती है। विवेक घर पहुंचकर रूही के साथ ढेर सारी खरीदारी करता है। जन्मदिन के लिए अनुज की दी हुई फ्रॉक पहन रूही केक काटती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विवेक के मोबाइल पर फोन आता है। पता चलता है कि आतंकवादी की गोली अनुज को लगी है और वो सैन्य अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई से जूझ रहा है। पिताजी चलिए ना हमारे साथ डांस कीजिए। एक मिनट, चलो बेटा मैं आ रहा हूँ। ना चाहते हुए भी विवेक अपनी आंखों से आंसू को छुपाता हुआ रूही के कहने पर डांस करता हुआ सोचता है। कुछ दिनों बाद अनुज को स्वस्थ होने के बाद सैन्य अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। 26 जनवरी के लिए वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार की घोषणा में अनुज का नाम भी होता है। विवेक अनुज को फोन करता है। हेलो अनुज, अभी अभी मैंने टीवी पर तुम्हारी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र की घोषणा सुनी, बधाई हो भाई, तुम ही इसके असली हकदार थे। धन्यवाद भाई, एक और खुशी की बात है, तुम्हारी भाभी के पांव भारी हैं, तू चाचा बनने वाला है। वाह ये हुई ना बात, अच्छे लोगों के साथ देर सवेर हमेशा अच्छा ही होता है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।